हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना काल के बाद पहली जुमा की नमाज पढ़ने के बाद मुंब्रा के लोगों ने क्या कहा? मुंब्रा शहर में मंदिर मस्जिद में किसने कराया सैनिटाइज? तो कहाँ पशुओं के चारे से बरामद हुई अवैध शराब की पेटियां? तो कैसे तेल के टैंक से तस्करी किया जा रहा था सोना? तो कहाँ लग सकता है दोबारा लॉकडाउन? मगर सबसे पहले खबर बताते हैं आपको मुंब्रा शहर की कि नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने क्या कहा। कोरोना महामारी के दौरान बंद हुए धार्मिक स्थलों को करीब 8 महीने बाद महाराष्ट्र सरकार से इजाज़त मिलने के बाद खोल दिया गया और मस्जिदें खुलने के बाद आज पहला जुमा था, इसलिए लोगों ने वजू खुद घर से करके आए। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जुमा की नमाज ज़्यादातर मस्जिदों में 2 जमात में पढ़ाई गई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और भीड़ ना हो। जुमा की नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने क्या कहा है? पहले ऐसा था कि जब लॉकडाउन नहीं था और कोरोना से पहले जो छोटी मस्जिदें होती थी तो वहाँ पर अंदर जगह ना हो तो लोग बाहर भी पढ़ लेते थे, लेकिन अब क्या हुआ, जो छोटी मस्जिदें हैं वहाँ पर यह मामला आया है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज़ पढ़ना है, इसलिए जगह नहीं होने की वजह से पूरे शहर में ज़्यादातर मस्जिदों में जो छोटी हैं वहाँ 2 जमातों का अहतमाम किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे और रास्ता ना जाम हो और लोग एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी बनाकर नमाज़ पढ़ सके। आप देख सकते हैं शिमला पार्क कौसा में जो गौसिया मस्जिद है, यहाँ भी बहुत मस्जिद छोटी है, यहाँ पर जब एक जमात होती है तो पूरा रोड जाम हो जाता है, वहाँ तक लोग पढ़ते, लेकिन चूँकि अब सोशल डिस्टेंसिंग और जो हुकूमत ने गाइडलाइन दिया है उसका पालन करना है, इसलिए यहाँ पर 2 जमात रखी गई ताकि लोग आराम से और गैप रखते हुए आपस में थोड़ी सी दूरियाँ बनाकर नमाज़ पढ़ सकें। इसलिए यहाँ पर आज एक जमात 1:15 की और दूसरी जमात 1:30 बजे की हो रही है और यही तकरीबन मुमरा में हर जगह का यही मामला है कि नमाज तो हो रही है, हुकूमत का शुक्रिया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र वगैरह सारे इंतजाम के साथ हो रही है। मुमरा शहर में तमाम धार्मिक स्थलों पर आज NCP के नगर सेवक शानू पठान ने मस्जिद मंदिर की धुलाई करवाई और अग्निशामन दल से सैनिटाइज भी करवाया और आवश्यकता अनुसार दवाओं का भी छिड़काव किया गया है। शानू पठान ने राम मारुति मंदिर, सुन्नी मस्जिद, गौसिया मस्जिद, हनुमान मंदिर, शंकर मंदिर, इसी तरह से और भी कई दरगाह मस्जिद मंदिरों में सैनिटाइज किया गया और शानू पठान ने लोगों से अपील की है कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करें। मुंबई आगरा राजमार्ग पर पशुओं का चारा लेकर जा रहे ट्रक से लाखों रुपए के अवैध शराब बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मुंबई आगरा राजमार्ग पर तेहरा फाटा क्षेत्र में होटल राजधानी के सामने एक ट्रक पर छापेमारी की। इस ट्रक में पशुओं का चारा था और इसी में देशी और विदेशी शराब की तस्करी भी की जा रही थी। कार्रवाई नासिक पुलिस ग्रामीण ने किया है। अवैध शराब के 497 पेटी और ट्रक, पशुओं का चारा, नकदी, मोबाइल फ़ोन, यानी कि कुल मिलाकर 38,663 रुपये के माल भत्ता पुलिस ने बरामद किया। TRI ने सोने की बिस्किट ट्रक के ऑयल टैंक में छिपाकर तस्करी करने वाले 2 ट्रकों को पकड़ा है। इन दोनों ट्रकों को इंडो म्यांमार बॉर्डर पर पकड़ा गया है और पंजाब ये ट्रक आ रहे थे। ट्रकों के टैंक से 400 सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं जिसका वजन 66.4 किलोग्राम बताया जा रहा है। इसकी कीमत भारत में करीब 35 करोड़ रुपए आंकी जा रही। बढ़ते कोरोना संकट में क्या दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है? अब तक कोरोना संक्रमित की संख्या देश भर में 90 लाख के पार पहुंच चुकी है। कुछ दिनों पहले लग रहा था कि भारत में कोरोना कमज़ोर पड़ रहा है, मगर अब जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है लोगों में और भी डर बढ़ गया है। खासकर दिल्ली में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लोगों को इसका डर भी सता रहा है कि कहीं दोबारा से लॉकडाउन ना लग जाए। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।